हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। फिर से स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं बाबा रामदेव जी की जन्मस्थली उंडू काश्मीर, और पहुँचने ही वाले हैं। समथिंग आधा किलोमीटर हम दूरी पर खड़े हैं। मेरे साथ में मेरे दो दोस्त भी हैं। तो दोस्तों, हम फाइनली बाबा रामदेव जी की जन्मस्थली पहुँच गए हैं, जो कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हो, बाबा रामदेव जी का मंदिर। तो आपको अंदर जाके दिखाऊंगा बाबा रामदेव जी का मंदिर। तो सबसे पहले हम प्रसादी चढ़ा देते हैं। आपको बता दूं कि ये मंदिर बहुत पुराना है, और इसी पुराने मंदिर के पीछे बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है, जो आप आगे वीडियो में देख लेंगे। तो अभी आरती होने वाली है। बाबा रामदेव जी की 4 बजे वाली आरती में भाग लेने का हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। सामने देख रहे हो, ये खेजड़ी का वृक्ष है, इसे थाटी वाली खेजड़ी कहते हैं। और ये जस्ट इसी के पास 110 फीट ऊंचाई पर बाबा रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है, जो कि आप वीडियो में देख रहे हो। तो चलो मंदिर के अंदर चलते हैं और देखते हैं मंदिर के अंदर का दृश्य। बाबा श्री रामदेव जी, अवतार धाम रामदेरिया काश्मीर। ये मंदिर बाबा रामदेव जी की जन्मभूमि पर बना हुआ है। और सामने बाबा जी की मूर्ति है, जिसमें बाबा रामदेव जी घोड़े पर सवार हैं, जिसमें हरजी पाठी पीछे खड़े हैं, और सामने डाली बाई, सुगना बाई और बाबा रामदेव जी के भांजा खड़ा है। ये मंदिर कितने साल पुराना है समथिंग? ये मंदिर 10 साल हुआ है बनते। अच्छा, तो नीचे मंदिर है, ये 1 साल पुराना है। हाँ, मैंने वीडियो में बताया है। हाँ, ये बाबा रामदेव जी की जन्म स्थली है। हाँ, और मेन मंदिर है वो है रामदेव। हाँ, वो समाधि स्थल है। अच्छा, ये अवतार धाम है जन्मभूमि। दोस्तों, हमने अंदर का दृश्य देख लिया है, तो अब बाहर का दृश्य भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है बाबा रामदेव जी के मंदिर का बाहरी दृश्य। अभी मंदिर का कार्य चल रहा है। Thank you.
दोस्तों आपने बाबा रामदेव जी के मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। कैसा लगा आपको ये मंदिर कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरी चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक और न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।